हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायका मज़ेदार। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन घी रोस्ट। झटपट बनने वाली डिश है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ एक पॉट में मैं ले लूँगी घी। अब घी रोस्ट है तो घी तो जाएगा ही, तो आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं, मगर घी में ये डिश बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 30 सेकेंड्स के लिए हम इसे भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन, जिसको मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए। और इसको हम अब भूनना शुरू करेंगे। चिकन को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालना शुरू कर देंगे। 4 से 5 मिनट बाद चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ में इसमें चला जाएगा 1/2 चम्मच नमक। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से चिकन में मिला देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा रोस्ट का। के पास कश्मीरी लाल मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर ये डिश थोड़ी सी तीखी बनती है क्योंकि इसमें आगे जाके होल स्पाइसेस पड़ेंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी नॉर्मल लाल मिर्च, जो कि थोड़ी तीखी होती है, उसे कम कर लीजिएगा। चिकन को हम अपने दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और थोड़े से अपने होल स्पाइसेस रोस्ट कर लेते हैं। इसमें जाएगी सूखी लाल मिर्च, दालचीनी लेंगे हम 1 इंच के बराबर, फूल चक्री, स्टार अनीस ये भी 1 जाएगी, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग ली है मैंने, इसको भी हम डाल देंगे पैन में। साबुत धनिया जाएगा 1/2 टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून। सौंफ जाएगी इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड, ये 2 टीस्पून जाएगा। और इन सारे स्पाइसेस को हम रोस्ट कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसकी वजह से रोस्टिंग मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन नॉर्मल आप लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम एक अपनी ग्राइंडिंग मिल में ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन के 2 जवे डाल देंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून लेमन जूस जाएगा और 1 टेबलस्पून के बराबर थोड़ा सा ही इसमें पानी डालेंगे ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी रहे, और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। चिकन देख लेते हैं, हमारा चिकन अच्छे से भुन रहा है। इसमें हमने ज़रा सा भी पानी नहीं डाला था, स्लो फ्लेम पर ये भुन रहा है। इसके अंदर अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छा सा बारीक पेस्ट बन के तैयार हो गया है हमारा। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हम चिकन में अच्छे से भूनेंगे। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसको अच्छे से भूनेंगे हम। हमारा जो ग्राइंडिंग मिल था उसमें थोड़ा मसाला लगा हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिक्स करके उसे भी चिकन में डाल दूंगी। मेजरमेंट्स की कमी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो फ्लेवर्स अच्छे से निकल के नहीं आते हैं। अब इस सारे पानी को भी हमें भूनना है। ऑयल हल्का सा हमारा सरफेस पे आना शुरू हो गया है। चिकन भी आधे से ज़्यादा डन हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे दही, दैट्स 1/4 कप ऑफ योगर्ट। ये रूम टेम्परेचर है, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि दही हमेशा रूम टेम्परेचर पर लेना है, और हमारी फ्लेम स्लो है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन में और इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसका सारा पानी वैपोरेट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ऑयल हमारा सरफेस पे आना शुरू हो गया है, तो इसकी हम भुनाई ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे फ्लेम मेरी मीडियम हाई पे है, ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। इसमें हम डाल देंगे अब थोड़े से करी पत्ता,
इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चार से पाँच मिनट स्लो फ्लेम पे और भूनने के बाद हमारा ऑलमोस्ट चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको बस हम ढक के दो मिनट और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर देंगे। जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन घी रोस्ट बनके तैयार है। इसको पराठे के साथ, चावल के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़े का लगता है, झटपट तैयार हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टिल देन बनाते रहिए जायके मज़ेदार।